हमारे पास गाड़ी आई है टाटा कंपनी का, टाटा एस गाड़ी है। और दोस्तों इस गाड़ी का जो है मेन आयल सील लीकेज हो चुका है, और मेन आयल सील लीकेज होने के कारण जितना भी इंजन ऑयल है वो सब वहाँ से लीक कर रहा है, नीचे की तरफ निकल जा रहा है। इसी की वजह से दोस्तों हम आज इस गाड़ी का जो है गेयरबॉक्स डाउन किए हुए हैं, और यहाँ पे आप सभी को दिखा देते हैं। इंजन के पास में आप सब देख लीजिए, चैम्बर के पास, चैम्बर पे देख लीजिए आप कितना ज़्यादा जो है इंजन ऑयल लीकेज किया हुआ है। चारों तरफ जो है पूरा इंजन ऑयल ही इंजन ऑयल हुआ है, और पूरा चारों तरफ से जो है इंजन ऑयल फेंक रहा है। इसी की वजह से जो है हम गेयरबॉक्स को डाउन किए हुए हैं। और दोस्तों इस गाड़ी का जो है मेन आयल सील हम चेंज करेंगे। यहाँ पर गेयरबॉक्स को डाउन किए हैं, गेयरबॉक्स के अंदर आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है इंजन ऑयल फेंक रहा है, क्योंकि दोस्तों मेन आयल सील जब लीकेज हो जाता है तो चारों तरफ जो है इंजन ऑयल फेंकने लगता है, और इंजन ऑयल जब है कम होने लगेगा तो इसके लिए गेयरबॉक्स को डाउन करना पड़ता है। और गेयरबॉक्स डाउन करने के बाद यहाँ क्लच प्लेट को हम खोलेंगे, फ्लाईव्हील को खोलेंगे, तब जो है मेन आयल सील जो है निकल पाएगा। तो चलिए पहले इन सबको हम खोल के हटाते हैं और फिर आप सभी को दिखाते हैं मेन आयल सील का जो क्या पोजीशन है। तब तक दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों पहले इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सब देख लीजिए फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट को खोल के हम हटा दिए हैं, और यहाँ पर आयल सील का पोजीशन जो है आप सब देख सकते हैं, आयल सील जो है बिल्कुल लीक हो चुका है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए यहीं से जो है इंजन ऑयल लीकेज कर रहा है, तो जो है नीचे पूरा खंड रहा है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यहीं से जो है इंजन ऑयल लीकेज कर रहा है, और लीक करने की वजह से तभी जो है नीचे भगा रहा है। तो हमें इस आयल सील को चेंज करना होगा। तो इस आयल सील को हमें निकालना है कैसे, यहाँ भी आप सब देख सकते हैं। इससे पहले जो है हम निकाल देते हैं, यहाँ पर ये आयल सील जो है इसे हम निकाल दिए हैं, क्योंकि आयल सील जो है ख़राब हो चुका है। यहाँ भी आप इसे दाब के देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड हो चुका है, इसी की वजह से जो है लीक कर रहा था। तब इसे हम यहाँ पे सफाई करेंगे, फिर नया वाला आयल सील को कैसे फिटिंग करेंगे उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर जो है आयल सील की जगह हम बिल्कुल सफाई कर दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम नया वाला आयल सील जो है लेके आए हुए हैं, यहाँ पर आप सबको दिखा देते हैं। ये सुपर कंपनी का सुपर सील है, सुपर कंपनी का, और आयल सील जो है बिल्कुल बढ़िया है। तो अब जो है हम इसके ऊपर फिट करेंगे इसे, और फिट करने के बाद जो है उसके बाद फ्लाईव्हील को टाइट करेंगे। तो चलिए इसे पहले फिटिंग कर लेते हैं, फिर फ्लाईव्हील को टाइट करके और आप सभी को दिखाएंगे। आयल सील को फिटिंग करने के बाद क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील को दोनों को कस के हम फाइनली कर लिए हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं दिखाई दिया हूं कि इंजन ऑयल अगर लीकेज कर रहा है मेन आयल सील से तो कैसे उसे चेंज करना चाहिए।